सलमान खान और कैटरीना कैफ की आने वाली पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी मूवी यानी टाइगर 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, टाइगर 3 एक आने वाली हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर मनीष शर्मा है और यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा की प्रोड्यूस करदा इस फिल्म में अदाकार सलमान खान, इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ है। ये टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल है और यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है। ये फिल्म वॉर 2019 और पठान 2023 के वाकयात के बाद तरतीब दी गई है। फिल्म का ऐलान यशराज फिल्म के जानिब से 4 मार्च 2022 को हुआ था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च 2021 दिल्ली में शुरू हुई और मई 2023 मुंबई में मुकम्मल हुई। इस फिल्म का म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया है। ये यशराज फिल्म की अब तक की सबसे ज्यादा महंगे बनने वाली फिल्म है। इसका बजट तकरीबन 300 करोड़ इंडियन रुपीज है। टाइगर 3 इब्तदाई तौर पर 21 अप्रैल 2023 को ईद के मौके पर रिलीज की जानी थी लेकिन फिर मुलतवी कर दी गई और अब ये फिल्म 12 नवंबर 2023 को दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। अगर हम कास्ट की बात करें तो सलमान खान और कैटरीना कैफ एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है वाले किरदार जोया और टाइगर निभाते नजर आएंगे जबकि इमरान हाशमी बतौर विलन दिखाई देंगे और ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान बतौर पठान इस फिल्म में मुख्तसर किरदार भी अदा करेंगे। अगर हम बात करें टाइगर 3 के ट्रेलर की तो इसका ट्रेलर 16 अक्टूबर को लॉन्च किया गया और इसके ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी। ट्रेलर में भरपूर एक्शन और ड्रामा देखा जा सकता है। ट्रेलर में सलमान खान शुरू में अपने घुटने टेकते और बाद में भरपूर लड़ाई करते भी नजर आए। टाइगर 3 का सॉन्ग लेके प्रभु का नाम 4 दिन पहले रिलीज हुआ और अब तक यूट्यूब पे 37 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है। बॉलीवुड की फिल्में आजकल पीक पे हैं और एक्शन विद इमोशन ये इंडियन फिल्मों के एक्स फैक्टर हैं और जब बात आ जाए सलमान खान की तो फिल्म कोई भी हो लोग उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं। ट्रेलर देख के लगा नहीं कि लास्ट टाइगर फिल्म 6 साल पहले देखी गई थी क्योंकि सलमान खान के साथ फैंस का कनेक्शन आज भी वैसा ही फ्रेश है। मिस्ट्री, सस्पेंस, एक्साइटमेंट तीनों को बढ़ा दिया है मूवी के ट्रेलर ने। कहानी में एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, ट्रेलर देख के ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब सबको इंतजार है 12 नवंबर का कि फिल्म रिलीज हो और वो जाके अपने पसंदीदा अदाकारों को देख सके। मारुषा इम्तियाज, हरीफ डिजिटल, लाहौर।